नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज किस नए ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज हरेली है, गांव में अमुस त्यार के नाम से जाना जाता है। तो अमुस त्यार और हरेली का बहुत बहुत आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम लोग अपने खेत में पूजा करने जा रहे हैं। रस दोस्तों देख सकते हैं आप, ये भिलवा पत्ता है और इससे सदावरी का पत्ता और भिलवा का पत्ता को खेत में ले जाके गाड़ेंगे। रसना जड़ी का घोल है जो पहाड़ों में और जंगलों में मिलता है, उसकी जड़ी का घोल है, इसको छिड़काव करेंगे। ऐसा मान्यता है कि अगर इसका छिड़काव करते हैं तो जो फसल की बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इस तरह से एक मान्यता है। तो हम लोग जा रहे हैं अपना खेत में रसना जड़ी और बेलवा पत्ता और सदावरी पत्ते को वहाँ पर ले जाके पूजा पाठ कर वो करें। तो हमारे साथ जा रहे हैं, साथ में चेष्टा जा रही है, हमारी भतीजी है चेष्टा और ये है गौरी। इन लोग के में भी काफ़ी उत्साह झलक रही है चेहरे में, देख सकते हैं काफ़ी खुशी है। ठीक है फ्रेंड, अगर खेत में पहुंच के फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का नजारा, तब तक बने रहिए। आज सुबह से ही बारिश हो रही है और हम लोग छत्ता वत्ता लेके जा रहे हैं खेत, है नहीं? तो छत्ता उठा, गिर गया उधर सदावरी, उठा तो। देख सकते हैं बारिश हो रही है हल्का फुल्का और सुबह से हल्का फुल्का बारिश शुरू हो गया है। तो हम लोग जा रहे हैं छत्ता वत्ता लेके। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग खेत में। तो हम लोग अभी पूजा पाठ करेंगे और रस के बाद रसना जड़ी का छिड़काव करेंगे, बेलवा पत्ता को गाड़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग अभी पूजा पाठ करेंगे, खेत में पहुंच चुके हैं। अच्छा फसल हो, निरोग रहो।
तो दोस्तों पूजा पाठ हो गया, तो अब हम लोग जाएंगे घर। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत हरेली की शुभकामनाएं, बधाई एवं शुभकामनाएं। तो अंकिता का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।